वो कह रहे हैं कि पिछली बार ज्योति सिंधिया की वजह से सीटें आई थी। उस गद्दार के जाने के बाद ही तो हम ग्वालियर का मेयर जीते, हम मुरैना का हमने मेयर जीता। भाटिया जी, जिस तरीके से उसको आप गद्दार बता रहे हैं, कांग्रेस में थे तब वो गद्दार नहीं थे क्या? तो कांग्रेस छोड़ के गए तो गद्दारी कौन करके गया? क्या कहना चाहते हो आप? टुकड़ों में बटने वाला आदमी और बिकने वाला आदमी आज हमें ये बताएगा कि हम कौन है? कि महलों की राजनीति खत्म हो गई। अब यहाँ पे काला करेंगे इस पूरे चुनाव के अंदर, देखना उसका क्या हाल होने वाला है। वो चुनाव लड़ जाए तो आप भूल जाना इस बात के खिलाफ। 26 साल का लौंडा जिसके दूध के दांत नहीं टूटे, हमारा झगड़ा चल रहा है अंदर, नूरा कुश्ती। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर हूँ और इस समय मुरैना में हूँ, जहाँ पर मुरैना से ग्वालियर चंबल संभाग के सह प्रभारी शिव भाटिया आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथ, स्वागत है सर। धन्यवाद। आज मुरैना में जो आज आपने बैठक की है, क्या विजन लेकर चल रहे हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, चुनावों का बिगुल बज चुका है और उसकी तैयारी के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। और वो जो भी उनकी दिल की बातें हैं, मैं मीटिंग नहीं करने आया हूँ, मैं एक किस्म का आपस में सामंजस्य और वार्तालाप करने आया हूँ कि क्या हमें आगे बढ़ के और करना चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता एक ऐसी रीढ़ की हड्डी होती है जो ज़मीनी तौर के ऊपर पार्टी को भी मजबूत करती है, कैंडिडेट को भी मजबूत करती है और आने वाले समाज को भी मजबूत करती है। ग्वालियर चंबल संभाग की आप सह प्रभारी हैं, तो 34 सीटों पर आपको क्या लग रहा है? 34 की 34 जीतेंगे। पिछली बार 26 थी, आपके बार 34? 34 की 34। लोग कह रहे हैं कि पिछली बार ज्योति सिंधिया की वजह से सीटें आई थी। उस गद्दार के जाने के बाद ही तो हम ग्वालियर का मेयर जीते, 57 साल बाद हम ग्वालियर का मेयर जीते हैं। वो गद्दार जब तक था तब तक क्यों नहीं जीते? हम मुरैना का हमने मेयर जीता, उसके समय पे क्यों नहीं जीते? हमारे 11 कॉर्पोरेटर हुआ करते थे, 26 हो गए उसके जाने के बाद। इसलिए क्योंकि इस कांग्रेस का कार्यकर्ता उससे ग्रसित था। वो आदमी अपने पाँव के नीचे कांग्रेस को समझता था, मैंने दबा रखी है पाँव, कांग्रेस मेरी बपोती है। आज उसको अपनी हैसियत और औकात का अंदाजा हुआ है वहाँ जाने के बाद कि क्या हैसियत और औकात मेरी हो गई है। शिव भाटिया जी, जिस तरीके से उसको आप गद्दार बता रहे हैं, कांग्रेस में थे तब वो गद्दार नहीं थे क्या? तो कांग्रेस छोड़ के गए तो गद्दारी कौन करके गया? क्या कहना चाहते हो आप? गद्दारी तभी जब उसने की, जिस मां जैसी पार्टी को जिसने उसको सींचा, क्या था उसके पास? 38 साल इस परिवार को क्या नहीं दिया? 38 साल इसका सम्मान इस पार्टी ने किया, जबकि गद्दारी तो 1818 से इतिहास चला आ रहा है। 1857 की तो आपको क्रांति बताने की जरूरत नहीं है। इसकी दादी की क्या हरकत थी मिश्रा जी की सरकार के प्रति? तो जिनके खूनिंग में ही गद्दारी है, तो आज भी उसने प्रूफ का सिद्ध कर दिया कि पहले भी गद्दार थे, आज भी गद्दार हैं। आपने हमें बहुत उत्थान दिया लेकिन हमारा खून बदलने वाला नहीं है। नहीं तो सिंधिया जी का कहना है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ग्वालियर के मंच पर प्रियंका गांधी के समक्ष नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बार बार उनको गद्दार बताया, उन्होंने कहा कि आज मुझे गद्दार बताया जा रहा है, जब मेरे पिता श्री माधव सिंधिया जी थे उस समय हमको पार्टी ने क्यों अलग नहीं किया? उस समय क्योंकि उन्होंने तो कोई गद्दारी नहीं की थी, उन्होंने झांसी की रानी के साथ गद्दारी नहीं की थी, माधव सिंधिया ने गद्दारी की थी। हमें तो उनको एक मौका दिया समाज से जुड़ने का। ये गांधी जी की पार्टी है, ये कुंठा से नहीं चलती है, नफरत से नहीं चलती है। हर समाज में हर किसी का हक है मौका देने का, हमने तो मौका दिया। लेकिन जिसके खून में ही गद्दारी है, वो गद्दारी आज सामने आ गई। आज उसे ना याद आ रहा अपना पिता। 4 दिन वो आदमी इस पार्टी के लिए काम नहीं कर पाया। चुनाव तो वो खुद आ रहा, पार्टी को दोष देता है। टुकड़ों टुकड़ों में बटने वाला आदमी और बिकने वाला आदमी आज हमें ये बताएगा कि हम कौन है, क्या क्या भाषा का प्रयोग करता है वो। ये महलों की राजनीति खत्म हो गई। अब यहाँ पे अब लोगों की राजनीति नहीं, कार्यकर्ताओं का समय है। और समझा देंगे आज कार्यकर्ता उसको, जब मुंह काला करेंगे इस पूरे चुनाव के अंदर, देखना उसका क्या हाल होने वाला है। वो चुनाव लड़ जाए तो आप भूल जाना इस बात को। बहानेबाजी, अपने परिवार की बुआ के खिलाफ 26 साल का लौंडा जिसके दूध के दांत नहीं टूटे, वो मेंबर पार्लियामेंट एमएलए क्या लड़ाता था? बाहर दिखाते हैं हमारा झगड़ा चल रहा है,
अंदर नूरा कुश्ती। अरे गद्दारों का रोल है, और गलत फहमी मत रहना, गद्दार और मुखबर की मौत बहुत बुरी होती है, ये वक्त बता देगा। अगला सवाल करना चाहेंगे, दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी का अपने आप का वो गढ़ मानते हैं कि हम दतिया फिर जीतेंगे, तो इस बार कांग्रेस कौन से चेहरे को लाने वाली है सिंधिया का क्लब है? कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है इस बार मुंह काला करने के लिए। बहुत लोगों पे उसने झूठे केस बनाए जो बाइज्जत बरी होके बाहर निकले, और हमारे कार्यकर्ता और कर्मठता के साथ खड़े हैं। पिछली बार तो 2000 तक ले आए थे, अब जमानत जब्त होनी है, वो अपनी सीट बचा ले वही बहुत है। मुझे तो लगता है उसकी पार्टी ही उसको टिकट नहीं देगी इस बार। ना चाहेंगे जिस तरीके से कमलनाथ जी ने जो 5 मुख्य योजनाएं किसानों के लिए लेकर के आए हैं, आपको पता है कि इस समय मध्य प्रदेश की सरकार पर 4 लाख करोड़ का कर्जा है, तो कहां से आप लोग ये बजट तैयार कर रहे हैं और लगातार घोषणाएं भी कर रहे हैं आप शिवराज सिंह की तरह? इस लूट की सरकार को इसीलिए तो हटाना चाहते हैं, ना महंगाई की चिंता है ना बेरोजगारी की चिंता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, वो आपने उज्जैन में देख लिया, वो आपने किस में देखा, व्यापम 2 कांड जिसे पटवारी का नाम दिया जाता है। और रही बात इनके घमंड की, तो घमंड आपने देख लिया पेशाब कांड में, कुछ बचा है क्या? एक आदिवासी पे सरेआम जमीन के ऊपर खड़े होके आपका नेता भाजपा का पेशाब करता है, और उसके बाद आदिवासी दिवस मनाते के बहाने क्या करता है, एक किराए का आदमी पकड़ के उसके पांव धोता है। अरे उसके घर तो चला जाता अगर इतना ही सम्मान देना था तो। ये पाखंडी हैं और घमंडी हैं। आज इसको याद आ गया, मेरी बहना दस्तरीक आ गई, 18 साल तो याद नहीं आई, क्योंकि आज हमने घोषणा कर दी कि गरीबी और गुर्बत में जिस तरह से समाज और अपने परिवार को महिलाएं पाल रही हैं, कमलनाथ जी ने वो 1500 की स्कीम क्या घोषित की, 500 रुपये का सिलेंडर देने की क्या घोषणा की, इनके तोते उड़ गए, नीचे से जमीन निकल गई। आज पता लगेगा इनको कि क्या होती है राजनीति। कमलनाथ जी ने अपनी नियत बता दी। 1 साल की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया उन्होंने। भाजपा कह रही कर्जा माफ नहीं किया, किसने कह दिया? हम तो कहते हैं किसी को पैसे भी नहीं दे रहे, वो झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, वो बताएंगे, किसानों से पूछो ना जाके, क्योंकि किसानों का हित तो इनके एजेंडे में ही नहीं है। वो 3 कानून में देखा नहीं आपने कितने लोग मरे उसके अंदर? 1.25 साल इंतजार करते रह गए। कहते हैं कानून बनाए तो उनके फायदे में थे, अब हटाए हैं तो भी उनके फायदे में है। ये कैसे पाखंडी हैं भाई? इस पाखंड को रोकना पड़ेगा, इस घमंड को चकनाचूर करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आज आपकी जनअदालत इसके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अहम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है और तीखे सवालात भी किए हैं और आपने जवाब भी सुने, फिर भी आपकी कोई राय? एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, जनता देख रही है, हिंदुस्तान की जनता कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ देख रही है, आपको लगता है कि राहुल गांधी मोदी को टक्कर देने में कामयाब साबित होंगे इस बार? बहुत दूर की कोड़ी सिद्ध हो जाएगा, आंधी आ चुकी है, तूफान की तरह सुनामी आएगी, पहले 4 स्टेट फिर सारा देश। तो राहुल गांधी के चेहरे पर देश की जनता देश चुनाव लड़ेंगे? देश की जनता तो पहले भी राहुल जी के साथ थी, इनके पाखंड ने और इनके झूठ ने गलत प्रचार किए सब। क्या करते हैं ये लोग प्रचार तंत्र को, आपको आप लोगों को भी नहीं जीने देते। आपकी मुस्कान बता रही है कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन मजबूरी है आप लोगों की, मैं दोष नहीं दे रहा हूं आपको। क्या करोगे? जनता ने भारत जोड़ो यात्रा में जो लाखों करोड़ों लोगों ने उनके साथ वार्तालाप की है, उनको समझ आ गई है कि क्या है राहुल गांधी, वो देश का भविष्य है और इनका ये अब अंतिम समय है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये वो जूदेव सुना है, बंगारू लक्ष्मण सुना है, ये बंगारू जूदेव पार्टी है। बंगारू पैसे लेते हुए टेबल पे पकड़ा गया डिफेंस डील में, जूदेव कैमरे के सामने पैसे लेते हुए डिफेंस डील में पकड़ा गया, तो ये वो पार्टी है, और दोष दूसरों को देते हैं। तो प्रधानमंत्री के चेहरा दावेदार राहुल गांधी होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? ये तो वक्त बताएगा ना, मिलके लड़ रहे हैं चुनाव, दावेदारी क्या होती है? ये आपने इंडिया बनाई है, इसका क्या है, इसका पूरा? अरे इसका इंडिया का क्या है,
सांस लेने को नहीं मिल रहा, इंडिया इंडिया के ऊपर ही भाषण दिए जा रहे हैं, अब तो उनको इंडिया भी बुरा लगने लगा है, ये कैसे भारतवासी हैं? तो समय बता देगा आपको इंडिया क्या है। तो आपके जनादाला न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए आपके जनादाला न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ। पापा रुको रुको, उसको नीचे उतारो ना। नहीं उतरूंगा, नहीं उतरूंगा। मम्मा भूख लगी है। हाँ हाँ बना रहे हैं। और ये रहे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा रसोई में लाइए रसखानी मस्टर्ड ऑयल और घर में खुशियाँ जो दिल की बीमारियों को रखे आपसे कोसों दूर। इसमें विटामिन ए डी और ई भी है विथ मूफा एंड ओमेगा 3। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, वचन शुद्धता। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल।